जय हिंद साथियों। साथियों आज हम लेकर हाजिर हैं बीएड फर्स्ट ईयर के कोर्स नंबर 3 लर्निंग एंड टीचिंग के मोस्ट इम्पोर्टेंट वीवीआई क्वेश्चन के साथ। तो चलिए आज का क्वेश्चन देखते हैं, आज का क्वेश्चन क्या है। तो दोस्त आज का क्वेश्चन है, प्रभावी शिक्षण से आप क्या समझते हैं और प्रभावी शिक्षक के प्रमुख गुणों का वर्णन करें। यानी कि प्रभावी शिक्षण क्या होता है और प्रभावी शिक्षक के प्रमुख गुण क्या क्या होते हैं। तो चलिए इसके आंसर की ओर आगे बढ़ते हैं। लिखा है, शिक्षण आप कर रहे हैं और उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है तो वैसी शिक्षण का कोई मतलब नहीं है। बिल्कुल, आप अगर किसी को शिक्षा दे रहे हैं या आप खुद शिक्षा ले रहे हैं लेकिन उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है शिक्षा देने से या शिक्षा लेने से, तो इसका कोई महत्व नहीं है। प्रभावी शिक्षण का मतलब होता है, हम हमारे सामने जो शिक्षार्थी है उन्हें जो बताएं, जो समय उसे न सिर्फ समझ ले बल्कि उन चीज़ों को गहरी छाप उसके जीवन पर हो, उनके व्यवहार में परिवर्तन हो, उनके उठने बैठने बातचीत करने के तौर तरीकों में परिवर्तन हो, इसे प्रभावी शिक्षण कहते हैं। बिल्कुल सही। अगर मान लेते हैं कि हम जिसके सामने हैं या जिसको हम पढ़ा रहे हैं तो उसके जीवन में कुछ परिवर्तन नहीं आए या फिर उसके व्यवहार में कोई परिवर्तन नहीं आए या फिर उसके उठने बैठने या बातचीत करने का तरीका तौर तरीका नहीं समझ में आए, तो ऐसे तौर तरीकों में कोई चेंज नहीं आए तो इसको हम लोग प्रभावी शिक्षण नहीं कहते हैं। अगर ये सब में सारा चेंज या परिवर्तन होता है उसको हम प्रभावी शिक्षण कहते हैं। हमारे जो छात्र हैं जिसे हम टीच कर रहे हैं, यानी कि जो भी हमारे छात्रगण हैं जिसे हम पढ़ा रहे हैं, टीच कर रहे हैं, जो हमारे सामने लर्निंग के लिए आया हुआ है, जो हमारे सामने कुछ सीखने के लिए आया है, फुल लर्नर है यानी कि अच्छा सीखने वाला है, और मैं ट्रेनर यानी कि हम ट्रेन्ड हैं और हम ट्रेन करने वाले हैं, और मेरी ट्रेनिंग का उससे लर्निंग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, वह सीख नहीं पा रहा है, तो कहीं ना कहीं मुझमें कमी है मुझमें। बिल्कुल सही। अगर मान लीजिए हम एक टीचर हैं और एक स्टूडेंट को पढ़ा रहे हैं लेकिन उस स्टूडेंट पे मेरा कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, वो जिस स्थिति में है, जितना समझ आ रहा वो उसी स्थिति में है, तो कहीं ना कहीं मुझमें कमी है, तो प्रभावी शिक्षण का कोई मतलब प्रभावी शिक्षण का मतलब यही होता है कि आप जिन चीज़ों को लेकर क्लास में जा रहे हैं उनका प्रभाव सामने वाले पर पड़े। तो प्रभावी शिक्षण का मतलब ये हुआ कि आप ऐसा कुछ शिक्षा दे बच्चों को जिसका उसके जीवन पर प्रभाव पड़े, तो उसको हम लोग कहते हैं प्रभावी शिक्षण। अब चलिए बात कर लेते हैं प्रभावी शिक्षक के क्या क्या गुण होना चाहिए। कुछ ऐसे भी टीचर हैं जिनके अंदर गुण नहीं होते हैं, अवगुण होते हैं। अब कौन कौन से टीचर हैं जिसके अंदर की गुण होती है, तो गुणों को पहचानने के लिए लिखा हुआ है प्रभावी शिक्षक के गुण। प्राचीन काल से ही शिक्षक के सामने सबसे बड़ी चुनौती कक्षा कक्ष में शिक्षण को प्रभावशाली और रुचिकर बनाए रखना है। यानी प्राचीन काल से बहुत पहले से ही एक शिक्षक के सामने बड़ी चुनौती रही है कि कक्षा कक्ष में शिक्षण को प्रभावशाली बनाना और रुचिकर बनाना ताकि इसको बच्चे जो है रुचि लेकर पढ़ें। तो ये प्राचीन काल से ही चलता आ रहा है, जो एक टीचर के सामने चुनौती भरी चीज़ होती है। छात्र शिक्षण को तनाव के रूप में न लेकर खेल के रूप में ले, यानी छात्र को बोला जा रहा है, कोई भी छात्र जो है शिक्षण को यानी कि शिक्षा को टेंशन लेके नहीं पढ़े, खेल के रूप में समझ कर पढ़ें और थोड़ा सा उत्साह के रूप में लें। एक जिज्ञासा होना चाहिए बच्चों के अंदर, मनोरंजन के रूप में होना चाहिए, मन लगना चाहिए। ऐसा वातावरण कक्षा कक्ष में करने के लिए अध्यापक को निम्नलिखित प्रयास करना चाहिए, यानी कि कक्षा कक्ष में क्लासरूम में कुछ ऐसा ना करा जाए ताकि बच्चों को एक उत्साह आ जाए पढ़ने के लिए, मनोरंजन हो, खेल में उनको पढ़ा दिया जाए। तो ऐसी कुछ चीज़ें हैं जो अध्यापक को प्रयास करना चाहिए। एक अध्यापक में गुण होना चाहिए,
प्रभावी शिक्षण को बनाए रखने के लिए। तो चलिए हम लोग देखते हैं वह कौन कौन सा गुण है जिसको अध्यापक में होना चाहिए, अध्यापक के अंदर वो गुण होने चाहिए। तो पहला है बच्चों से मित्रता होना चाहिए। अब ऐसा नहीं है कि बच्चों के सामने हम खड़ूस टाइप में उनको उनके सामने बिहेव करें, बातचीत करें, एकदम मित्रता जैसे ही, फ्रेंडशिप जैसा रहिए, ताकि वो आपसे कोई भी क्वेश्चन, कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी कठिनाई वाले प्रश्न को आपसे पूछ सकता है। अगर आपको आपसे बच्चा ज़्यादा ही डरता है तो कहीं ना कहीं आपसे वो अपना प्रॉब्लम भी शेयर नहीं कर सकता है। इसलिए एक अध्यापक को बच्चों के साथ मित्रता जैसा व्यवहार करना चाहिए। दूसरा है अध्यापक को रोज़ाना पीरियड्स लेना चाहिए। अब आपकी घंटी, आपकी पीरियड रेगुलर नहीं हो तो बच्चों पे एक गलत प्रभाव पड़ता है। तो अगर बच्चों को अच्छा से प्रभावित करना है तो अध्यापक को रोज़ाना ही अपना पीरियड लेना चाहिए। अपना घंटी जो है, चाहे किसी भी सब्जेक्ट का हो, वो रोज़ाना लेना चाहिए। तीसरा है शिक्षण का कार्य उदाहरण द्वारा हो। अगर कोई भी एग्जाम्पल समझा रहे होते हैं बच्चों को, कोई पढ़ा रहे होते हैं, तो जो पढ़ाते समय ज़्यादातर एग्जाम्पल में टीचर को उदाहरण सहित देना चाहिए, मतलब कि कोई भी चीज़ हो उसको समझाने के लिए उदाहरण के सहारा लें तो ज़्यादा ही अच्छा है। अगला है बच्चों को भी पढ़ाने का मौका दें, यानी कि जिस बच्चों को आप टीच कर रहे हैं, जिस क्लास में आप पढ़ा रहे हैं, उस क्लास के बच्चों को बोर्ड पे बुलाया जाए और बोर्ड पे ही उनसे मार्कर या चौक देकर कुछ क्वेश्चन पूछा जाए और बोर्ड पे ही वो आंसर लिखेंगे, ताकि वो कोई भी बच्चा को बोर्ड तक आने में कोई झंझट या समस्या ना हो। और कुछ ऐसा भी चीज़ है जिसमें एक बच्चों को देना चाहिए कि तुम जो है इस चीज़ को लिखवा दो, या फिर कोई भी जो चीज़ याद करने के लिए बच्चों को दिया जाता है आप सुन लो, ताकि अब बच्चों के अंदर वो गुण आ जाता है कि आखिर कैसे पढ़ाते हैं। तो इसीलिए लिखा है बच्चों को भी पढ़ाने के मौका देना चाहिए। अगला है सिखाते समय विषय वस्तु को दोहराना चाहिए, यानी कि कोई भी चीज़ आप पढ़ा रहे हैं या कोई भी आप चीज़ समझा रहे हैं, तो कम से कम कोई भी शिक्षक को चाहिए कि उस विषय को या वह बात को, उस बात को जो आप पहले बोल चुके हैं, कम से कम उसको एक दो बार रिपीट करें, ताकि कोई बच्चा अगर एक बार में न सुन पाए तो दूसरी बार में उसे अच्छे से सुन पाए। अगला है बच्चों का मनोबल बढ़ाएं। बीच बीच में बच्चों को वे सारी चीज़ें या वे सभी चीज़ें बताई जाए जिससे बच्चे सुनकर उनके अंदर एक मनोबल बढ़े, एक उत्साह की भावना रहे। आप ये भी बताएं कि आप बाबू पढ़ रहे हो, आप पढ़ेंगे, क्या क्या बनेंगे, कैसे कैसे पढ़ाई करना चाहिए, पढ़ने के बाद तुम नौकरी पाओगे तो क्या होगा। तो बहुत सारी चीज़ें जो है बताकर एक बच्चों को उनकी मनोबल बढ़ाई जा सकती है। अगला है बच्चों को प्रेरक कहानियाँ सुनाएं। याद रखें कि एक अध्यापक को, एक अच्छे गुण वाले अध्यापक को ये भी चाहिए कि क्लास में कम से कम सप्ताह में एक दिन का ऐसा पीरियड रखें जिसमें बच्चों को एक कहानी का क्लास हो, और वे सब आलतू फालतू की कहानी नहीं, उस कहानी से ऐसी कुछ सीख मिलनी चाहिए ताकि बहुत गंभीर स्थिति में कोई बच्चा पढ़ रहा है, उसके पास कुछ नहीं था लेकिन इतना पढ़ा कि अपने आप को एक बहुत अच्छे पोस्ट पे ले गया, उसके बाद उसके घर परिवार में कहीं से भी कोई दिक्कत नहीं आई। तो इस तरीके से प्रेरक कहानियाँ बच्चों को सुनाई जाए, ताकि ये सब प्रेरक कहानियाँ सुनकर बच्चों के अंदर वह मनोबल बढ़ती है, या बोल सकते हैं वैसी इच्छा जागृत होती है जिससे वे बच्चे पढ़ने लगते हैं, ललायित हो जाते हैं पढ़ने के लिए। अगला है सामाजिक कार्यों में बच्चों की भागीदारी। अब देखिए,
एक अध्यापक को ऐसी भी शिक्षा देनी चाहिए कि सामाजिक कार्य में वे बच्चों बच्चे जो है आगे आए। जैसे समाज में एकत्रित होकर पेड़ पौधों का लगाना, बागवानी करना, शहर सफाई का ख्याल रखना, तो ऐसी भी शिक्षा दी जानी चाहिए ताकि सामाजिक कार्यों में एक बच्चों का भागीदारी हो सके। अगला है बच्चों में नेतृत्व की क्षमता का विकास, यानी बच्चों में एक ऐसी शिक्षा का विकास या डेवलप होना चाहिए जो नेतृत्व की क्षमता यानी कि देख रेख करने की क्षमता को बढ़ाए। अगर उसके घर में कोई नहीं है, न मम्मी है न पापा है, एक छोटा सा बच्चा है, अपने घर में अकेले अगर कई एक दो दिन को रहने के लिए पड़ जाए तो अपने आप को कैसे देखभाल करना चाहिए, अपने साथ साथ जो घर में बाकी के लोग हैं या घर में बिखरे हुए सामान हैं उसको किस तरीके से सुरक्षित रूप से सजाया जाए, तो उसके नेतृत्व को भी बनाए रखने के लिए, क्षमता का विकास के लिए ऐसी शिक्षा का भी जरूरी है। कक्षा में घूम घूम कर पढ़ाएं, ये भी एक अच्छे शिक्षक का गुण है। कुछ शिक्षक तो ऐसे होते हैं जिसमें क्लासरूम में रखे गए आगे कुर्सी या टेबल जो भी हो सकता है उस पे कोई टीचर आते हैं और पूरी घंटी पूरे पीरियड्स वहीं से बैठकर और लेक्चर देते हैं या पढ़ाते हैं, लेकिन वो उतना अच्छा नहीं होता है, उतना अट्रैक्टिव नहीं हो पाता है जितना कि घूम घूम कर पढ़ाया जाए। घूम घूम कर कक्षा में पढ़ाने से क्या होता है कि सभी बच्चों का ध्यानाकर्षण उस शिक्षक पे रहता है और शिक्षक को भी बच्चों के प्रति ध्यानाकर्षण रहता है, इसलिए एक शिक्षक को कक्षा में घूम घूम कर पढ़ाए जाने चाहिए। अगला है गृह कार्य देना। बिल्कुल सही, अगर कोई बच्चा को होमवर्क ना मिले वो घर पे नहीं पढ़ेगा, इसलिए एक अच्छे शिक्षक का गुण होना चाहिए वो रेगुलर होमवर्क दें, रोजाना होमवर्क दें, और होमवर्क जब दे रहे हैं तो रोजाना होमवर्क को चेक भी करें। अगर आप चेक नहीं करेंगे तो बच्चों के अंदर ये सोच आ जाएगी कि कभी कभी तो सर या मैडम चेक करते हैं हमारे वर्क्स को तो कभी कभी नहीं करते हैं, तो इसलिए बच्चों में वैसी सोच आ सकती है, इसलिए गृह कार्य हमेशा दें और गृह कार्य रोजाना चेक करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा है पूर्ण तैयारी के साथ कक्षा में जाएं। बिल्कुल सही, अगर मान लीजिए कि बहुत सारे ऐसे शिक्षक हैं जिनका डाउट क्लियर नहीं रहता है, वो कुछ क्वेश्चन में फंस जाते हैं, अब वो बच्चों के सामने जाकर अगर क्वेश्चन फंसते हैं तो कहीं ना कहीं बच्चे जो है मजाक बना ले लगने लगते हैं, मजाक बना देते हैं, तो इसलिए एक अध्यापक को चाहिए कि अगर उनके अंदर कुछ ऐसी भी चीज़ें हैं जो व्यवस्थित ढंग से समझ नहीं आ रही है उसको एक बार कक्षा में जाने से पहले पूर्ण तैयारी करके जाएं। अगला है शैक्षिक भ्रमण द्वारा शिक्षण। अब एक अच्छे शिक्षक का गुण ये भी होना चाहिए कि समय समय पर बच्चों को शैक्षिक भ्रमण पे लिया जाए, टूर पे ले जाना चाहिए। अगर मान लीजिए कि SST में चीज़ें इतिहास में या भूगोल में अगर कुछ चीज़ें पढ़ाना हो तो इतिहास जैसे नालंदा यूनिवर्सिटी, बहुत सारे ऐसा ऐसा टूर है जहाँ पे खंडहर है, राजगीर जगह है, तो ये सब वैसी जगह हैं जिनमें इतिहास से जुड़ी है, जैसे बुद्ध गया है, बुद्ध भगवान की प्रतिमा है, उसके प्रति उनका इतिहास है, तो इसीलिए समय समय पर एक बच्चों को शैक्षिक भ्रमण कराया जाए, टूर पे ले जाया जाए ताकि वहाँ उनको ले जाकर शिक्षा दिया जाए और वहाँ से उनको एक अच्छी ज्ञान प्राप्त हो सके। अगला है कक्षा में प्रत्येक बच्चों की भागीदारी होनी चाहिए, यानी कि एक अच्छे शिक्षक का ये भी गुण होना चाहिए कि जो बच्चा रेगुलर नहीं आ रहा है वो अब्सेंट कर रहा है तो उस पर भी कुछ ना कुछ कार्रवाई किया जाए, यानी बच्चे जो है उनकी भागीदारी एकदम रोजाना होना चाहिए, इसीलिए सभी बच्चों का अटेंडेंस लिया जाए
कि कौन बच्चा किस डेट में आया है या नहीं आया है। जो बच्चा रेगुलर नहीं आ रहा है उसके पेरेंट्स के साथ शिकायत करनी चाहिए, जानकारी लेनी चाहिए आपका बच्चा क्लास में नहीं आ रहा। क्योंकि अगर जो बच्चा क्लास में रेगुलर नहीं आएगा, नहीं पढ़ेगा, नहीं बैठेगा, तो वो चीज़ों को नहीं सीख पाएगा। इसलिए कक्षा में प्रत्येक बच्चों की भागीदारी आवश्यक है। अगला है, सरल स्पष्ट मातृभाषा में शिक्षण होना चाहिए। ये नहीं कि एक छोटा बच्चा है और उसको पढ़ाना है तो हम इंग्लिश या उर्दू और फारसी ऐसा भाषा का यूज कर रहे हैं और वो बच्चा उसको समझ भी ना पा रहा हो, तो ये कहीं ना कहीं अच्छा नहीं होता है। इसलिए एकदम सरल भाषा होना चाहिए, स्पष्ट होना चाहिए, जिसका अर्थ एकदम साफ साफ निकल रहा हो। और मातृभाषा यानी कि हमारी मातृभाषा हिंदी है भारत का, तो आप हिंदी भाषा में शिक्षण करें। बच्चों के बैग का वजन कम से कम हो। अब एक शिक्षक को चाहिए कि कोई भी सब्जेक्ट, अगर मान लिया जाए कि अगर कोई मैथ का टीचर है, तो उस टीचर को ये चाहिए कि मैथ का जो बुक्स है, मैथ का जो किताब है, उसके पास एक एक्स्ट्रा रहे, ताकि बच्चों को लाने में ज़्यादा से ज़्यादा बैग का वजन न बढ़े। इसलिए बैग के वजन एकदम कम से कम हो, इसका भी ख्याल रखना आवश्यक है। अगला है, घर पर पढ़ने की आदत का विकास। अब देखिए, घर पे बच्चों को में पढ़ने का जो आदत आएगा वो गृह कार्य से आएगा, होमवर्क से आएगा। अगर बच्चे को होमवर्क नहीं दे रहे हैं, वो ऑब्वियसली सीधी सी बात है वो घर पे जाकर नहीं पढ़ेगा। इसलिए घर पे पढ़ने की आदत डलवाने के लिए होमवर्क्स एक बहुत बढ़िया काम है या कार्य है, जिसे अवश्य ही देना चाहिए एक बच्चों को। अगला है और लास्ट है, शिक्षक अपने आप को उदाहरण के रूप में लें। यानी कि कोई भी चीज़ को समझाने के लिए अपने आप पर अगर शिक्षक उदाहरण देते हैं तो बच्चे जो है उससे ज़्यादा प्रभावित होता है। तो इस तरीके थे हम लोगों का ये आंसर कि प्रभावी शिक्षण क्या है और एक प्रभावी शिक्षक की क्या क्या गुण होना चाहिए। तो ये थे साथियों इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जो लगभग क्वेश्चन एग्जाम में आते आते हैं। तो इसको आई होप कि आप अच्छे से समझे होंगे। दोस्त, इस चैनल से ऐसे ही जुड़े रहें और ऐसे ही खबर या वीडियो जिस पे अपलोड होती है, ताकि आपका बीएड के एग्ज़ाम में कोई दिक्कत नहीं हो। तो साथियों, आज बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियोज में अगले इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ। तो साथियों, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।